नमस्कार दोस्तों, सोलर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आप खुद से इन्वर्टर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ल्यूमिनस कंपनी के इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, जिसका मॉडल नंबर है इकोवाट प्लस 1050। इस इन्वर्टर को पावर सप्लाई देने के लिए हमने वी गार्ड की टॉल टेबुलर बैटरी VT155D का इस्तेमाल किया है, जिसकी कैपेसिटी 152 AH है और 36 मंथ्स की वारंटी के साथ आती है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं, जिससे आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को जल्दी ख़राब होने से बचा सकते हैं और साथ ही साथ लंबे समय तक बैटरी बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। दोस्तों, अब हम इन्वर्टर के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें क्या क्या होता है और हम इसका कनेक्शन कैसे करें। यहाँ पे ये जो ल्यूमिनस का इन्वर्टर है उसमें 6 इंडिकेशन लैंप है, बाकी दूसरे कंपनी के इन्वर्टर भी ऐसे ही होते हैं। इंडिकेशन लैंप्स या फीचर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर में जो सबसे पहला इंडिकेशन लैंप है वो है हमारा मेन पावर सप्लाई का। अगर हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन रहती है या ऐसा कह लें कि लाइट आ रही है और इन्वर्टर में सप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। और वहीं पर यहाँ पर दूसरा इंडिकेशन लैंप मिल जाता है बैटरी चार्ज का। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। यहीं पर इस इन्वर्टर में ये फीचर मिल जाता है कि आप इस इन्वर्टर को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल मोड और UPS मोड। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इको मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। वहीं अगर आप UPS मोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो UPS मोड सेलेक्ट करना होता है। UPS मोड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पावर सप्लाई कंटिन्यू चाहिए होती है और पावर ब्रेक नहीं चाहिए होता है। अगर पावर ब्रेक होता है तो उससे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और सारा डेटा करप्ट हो जाता है। इस कंडीशन में हम UPS मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। नॉर्मल मोड में या इको मोड में कुछ सेकंड के लिए पावर गैप होता है। कुछ सेकंड का मतलब यहाँ पर 2 या 3 सेकंड से है, उसके बाद फिर नॉर्मल सप्लाई ऑन हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर UPS मोड और इको मोड के बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है लो बैटरी का। अगर बैटरी लो है तो यहाँ पर ये लाइट या यह इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगी। और यहाँ पर लास्ट इंडिकेशन लैंप होता है ओवरलोड का। अगर आप अपने इन्वर्टर पर ओवर लोड डाल रहे हैं तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो करता है, मतलब कि आपका इन्वर्टर ये बता देगा कि आपने अपने इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड कनेक्ट किया है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पावर बटन और रीसेट बटन एक ही में मिल जाती है, जिससे आप इस इन्वर्टर को ऑफ भी कर सकते हैं और इसी बटन से इको मोड और UPS मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस इन्वर्टर के पीछे देखेंगे तो यहीं पर आपको 3 वायर या केबल देखने को मिल जाएंगे। रेड और ब्लैक केबल बैटरी के लिए हो जाएगा, रेड वायर पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ब्लैक वायर निगेटिव टर्मिनल के लिए होते हैं। ये केबल कॉपर केबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाएगा, जिसे हम मेन सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आउटपुट सप्लाई लेने के लिए एक सॉकेट दिया गया है। इस इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ भी लगाया गया है। साथ साथ यहाँ पर एक कूलिंग फैन भी है, जो इन्वर्टर के ऑन होते ही ऑन हो जाता है और आपके इन्वर्टर को कूल रखता है। दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर के लिए 4 बैटरी के ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इस इन्वर्टर से कौन सी बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब हम बैटरी के हिसाब से इसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब हम यह जानते हैं। पर एक स्विच दिया गया है, जिसे हमें बैटरी के हिसाब से शिफ्ट करना है। अगर आपकी बैटरी टेबुलर है, फ्लैट है, SMF है या लोकल है, जो भी आपकी बैटरी का टाइप है उसी के हिसाब से हमें इस स्विच को उसके सामने शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर हमारे पास टेबुलर बैटरी है तो हम इसे टेबुलर के सामने कर देते हैं। अब हम इन्वर्टर का कनेक्शन बैटरी के साथ करना सीख लेते हैं। उससे पहले आप बैटरी के टर्मिनल की पहचान कर लीजिएगा। आपको माइनस या निगेटिव टर्मिनल में ब्लैक केबल कनेक्ट करना है, वहीं प्लस या पॉजिटिव टर्मिनल में रेड केबल कनेक्ट करना है। यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद आप यह जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने कनेक्शन सही किया है या नहीं। अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया है तो इन्वर्टर ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप दोनों टर्मिनल को केबल से कनेक्ट करेंगे
तो आपके इन्वर्टर की सारी इंडिकेशन लाइंस ग्रो करेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपका इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें इन्वर्टर को फेस सप्लाई यानी कि चार्जिंग के लिए सप्लाई देना है। तो इसके लिए यहाँ जो चार्जिंग केबल है हमें उसका इस्तेमाल करना है। इस केबल को हमें मेन पावर सप्लाई यानी कि ग्रिड पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। तो उसके लिए हम इसे स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं जिसमें मेन पावर सप्लाई आ रही होगी। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इन्वर्टर में मेन और चार्जिंग इंडिकेशन ग्लो करने लगेंगी, यानी कि इन्वर्टर को मेन पावर सप्लाई मिल रही है और बैटरी चार्ज हो रही है। अब हम जान लेते हैं कि हमें इसमें UPS और इको मोड कैसे सेलेक्ट करना है। आपको पावर बटन प्रेस करनी होगी, इससे UPS ऑन हो जाएगा और इको और UPS मोड को चेंज करने के लिए आप पीछे दी हुई इन्वर्टर की बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो इंडिकेशन लैंप नहीं ग्लो करेगी। इससे आप यह ना समझे कि आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, यह इंडिकेशन लैंप सिर्फ चार्जिंग के टाइम ही ग्लो करता है। हमने इन्वर्टर को मेन पावर सप्लाई और बैटरी का पावर सप्लाई दे दिया है, अब हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। दोस्तों, जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं तो आउटपुट करंट लेने के लिए एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केवल फेज वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर आप चेक कर लें कि किस फेज में सप्लाई आ रही है। इसे हम टेस्टर से पता लगा सकते हैं कि किस फेज में सप्लाई आ रही है। हम दोनों साइड चेक करेंगे, जिधर टेस्टर की लाइट ग्लो हो उसी साइड हम फेज वायर कनेक्ट कर देंगे। इसे कनेक्ट करने के लिए हम 3-फेज प्लग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस साइड में आपका टेस्टर ग्लो किया था उसी साइड में हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। अगर आप इसे दूसरी साइड में कनेक्ट कर देते हैं तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और इन्वर्टर भी खराब हो सकता है। इस इन्वर्टर की सप्लाई लेने के लिए आपको घर के किसी बोर्ड में मेन फेज की सप्लाई रोककर आपको इस सिंगल फेज की इन्वर्टर की सप्लाई को लगाना होगा। आप इसके लिए किसी इलेक्ट्रीशियन को भी बुला सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं जिससे आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को लॉन्ग टर्म के लिए चला सकें। कभी भी अपने इन्वर्टर और बैटरी पर ओवरलोड ना डालें और ऐसे अप्लायंसेस ना यूज़ करें जो ज़्यादा पावर कंजप्शन करते हैं, और बैटरी को टाइम टू टाइम 70-80% डिस्चार्ज करते रहें। इससे आपका इन्वर्टर और बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।